देशभर में सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक वन का आगाज हो गया है। वहीं प्रदेश के सभी राजकीय संग्रहालय, स्मारक, पर्यटन स्थल और नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। पहले दिन राजधानी के सभी पर्यटन स्थलों पर सरकार की ओर से संगीत कार्यक्रम और प्रचार प्रसार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही कल से शुरू होगी। इससे पहले वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। पिछले दो महीने से अधिक समय से बंद पड़े राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों को आज 1 जून से दोबारा खोल दिया गया है। हालांकि पर्यटकों की आवाजाही कल से शुरू होगी। जो पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह यहां पर पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, तो वहीं सप्ताह में जो है 2-4 दिन यहाँ पर ये खुलेंगे। तो अभी हम राजधानी जयपुर के हवा महल पहुँचे हैं। आज 1 जून है तो पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए लोक कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोक कलाकार है जो राजस्थान की जो पर्यटन कला है, कोरोना के अंदर जो बंद पड़ी थी उसको दोबारा जगाने के लिए सरकार ने जो आदेश दिए हैं उसके मुताबिक पहले दिन यहाँ पर लोक कलाकार जो है अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। आज पहला दिन है, पर्यटन खोल दिया गया है। प्रचार प्रसार के लिए लोक कलाकार आप देख सकते हैं ये प्रस्तुति दे रहे थे। हमारे साथ ये टूरिस्ट गाइड है जो लंबे समय से यहाँ पर अपना रोजगार है वो उनका बंद हो चुका था। अब उनको भी उम्मीद जगी है, पर्यटन स्थल खुल गए हैं तो दोबारा टूरिस्ट आएगा और इनको भी जो है आमदनी होगी। बताएं सर किस तरीके से क्या देखिए। दो महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद में राज्य सरकार के सहयोग से इसको खोला गया तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और आज से ये लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई तो एक तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट है, प्रिंट अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाएगा तो लोग बाग आएंगे। अभी तो शुरुआत है, कल से पब्लिक के लिए खुलेगा ये, तो धीरे धीरे 0 से लेकर के शुरुआत होगी, आगे तक के 1000 तक संख्या पहुँचेगी। हमारे साथ हवा महल अधीक्षक है, उनसे ही बात करते हैं। मैडम क्या तैयारी है, कल किस तरीके की सेफ्टी रखी जाएगी, आज क्या क्या किस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए? हवा महल स्मारक में पूरी तैयारी कर ली गई है पर्यटकों के आने से पहले ही। कल से ये पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। आज हवा महल स्मारक को सैनिटाइज किया गया, साफ सफाई कराई गई है और कल से थर्मल स्कैनर से भी पर्यटकों को चेक किया जाएगा। बुकिंग से लेकर प्रवेश द्वार तक एक गोले बनाए गए हैं जहां पे पर्यटक खड़े होंगे और 2 सप्ताह तक ये निःशुल्क रहेगा। सेफ्टी के लिए जिस तरीके से कहा गया है कि एक सीमित संख्या में ग्रुप को आने दिया जाए, उसके बाद दोबारा आने दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या इंतजाम किया गया? सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से बरकरार रखी जाएगी? टचिंग पॉइंट्स है जहां पर कोई टच न करे, इसके लिए क्या हिदायत दी जाएगी स्टाफ को? ये हमारे सारे सुरक्षा स्टाफ को भी ये पाबंद कर दिया गया है कि जो भी पर्यटक आएंगे उनका सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और उनको गेट पे ही वो समझाएंगे। और इस तरह के हम साइनेज भी लगा रहे हैं कि भाई किसी अंदर दीवारों को और दरवाजों को किसी भी चीज़ को छुए नहीं वो, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और 5-6 का ग्रुप ही अंदर जाएगा, थोड़े अंतराल में ही पर्यटकों को भेजेंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जाएगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या फिर पर्यटकों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास है जो पर्यटन उद्योग लंबे समय से कोरोना के अंदर जो है एक तरीके से संकट की घड़ी में गुजरा था, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कई तबके के लोग हैं, चाहे लोक कलाकार हो, चाहे टूरिस्ट गाइड हो, चाहे और भी कई तरीके के व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, वो गुलाबी नगरी में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर उनको दोबारा रोजगार मिलेगा। साथ ही ये पर्यटन स्थल खुलने से राजस्थान की पर्यटन की जो छटा है एक बार फिर से बिखरेगी और एक बार फिर से राजस्थान के पर्यटन स्थल गुलजार होंगे। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV जयपुर, राजस्थान।